भोजपुरी सिनेमा की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। नमस्कार, हर हर महादेव। हाँ, 6 जुलाई के फिल्म लगातार वैरी कंगना पार्ट 2, अगर ब्रह्म बाबा के बारे में, भूत प्रेत आत्मा पिशाच तंत्र विद्या इकुल के बारे में जाने के, वही जो कि हम बचपन से सुन ले रहे हैं अपने परिवार में, कंगवा में, और हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि परम बाबा होंगे क्या, पेड़ पे भूत होगा क्या, आत्मा होती है क्या, मरने के बाद कुछ आत्माओं का जो विश पूरा नहीं होता क्या ये सत्य है, ये सब चीजें हमको बहुत परेशान भी करती थी, क्यों बहुत हम उत्साहित जानने के लिए भी वो रहते थे, क्यूरियस रहते थे कि सही में ऐसे होता है कि अगर जिसको बहुत प्रेम है किसी चीज से, बहुत लगाव है, और वो अचानक मृत्यु हुई या उसको मार दिया गया या दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो क्या वो आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता क्या, वो फिर वो दोबारा आती है या धरती पे टंगी रहती है और जब तक उसका वो मिशन पूरा नहीं होता। ये सारे सवालों के बीच में पत्री त्रिपाठी जो है डायरेक्टर, वो हमको ले आए, पांडे जी प्रोड्यूसर श्रीवास्तव जी। रवि जी, इसमें फिल्म में दो हीरोइन है, सुवी शर्मा और कांता भगवानी नजर आ रही, क्या गए दोनों साथ आपके रिलेशन बनाएंगे? जय ब्यूटीफुल रिलेशन है उसमें, और अगर रिलेशन बता दूंगा तो कहानी खुल जाएगी, तो मैं वही सस्पेंस इस फिल्म का, और दोनों बस यही कहूंगा दोनों प्रेमिका है हमारी और दोनों से प्रेम है हमारा, लेकिन वो किस तरह का प्रेम है, कैसा प्रेम है, यही कहानी का मेन सूत्रधार है, और वो आप देख ही रहे हैं कि मेरे शरीर में आधी स्त्री भी है, अर्धनारेश्वर का भी रूप है हमारे में, आधे आधा पुरुष भी है। ये बहुत सुंदरता से त्रिपाठी जी डायरेक्टर ने इसको पिक्चराइज, इसका ट्रेलर बहुत पसंद किया गया, धन्यवाद उसके लिए। 6 जुलाई को कृपा सब लोग अपन परिवार के लेके, माय बाबू के लेके, कुल ब्रह्म भूत महादेव पिशाच विशाच कुल सिनेमा हॉल में होंगे, तो सब लोग लेके जाइए और ये पिक्चर देखिए जरूर, बहुत मजा आई। संगीत बहुत कमाल का है, इसका म्यूजिक बहुत अद्भुत है, और बहुत समय के बाद मेरी फिल्में आती हैं भोजपुरी में, लेकिन जब भी आती हैं तो मैं कोशिश मेरी रहती है कि मेरे फैंस लोग निराश ना हो, जो आप लोग मुझे इतने सालों से प्रेम करते हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और ये सौगात है 6 जुलाई की। कोशिश करेगा आप अपना समय, अगर आप लोगों के पास फ्री है तो जरूर जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी।